हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माय स्टूडियो नंबर 6। आज का मौजू ख़ास कुछ और है, स्टूडियो नहीं है। स्टूडियो के बारे में हम किसी और दिन बहुत गहराई में डिटेल में बात करेंगे, कब कहाँ क्यों कैसे। आज का जो मौजू ख़ास है वो एक लेंस है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी आँखें खोलनी है, थोड़ा फ्रेश होना है, थोड़ा मतलब दिमाग चलना शुरू हो, तो मुझे सबसे पहले नाश्ता नहीं करना है। Let me explain. You're stuck in the fire, you just have to burn. वैसे हमारी इन तीन तस्वीरों के बारे में कभी बात नहीं हुई। जब तक ये तस्वीरें प्रिंट हो रही थी, मैंने अपनी किसी भी फोटोग्राफ को इतने बड़े साइज़ पे प्रिंट हुआ नहीं देखा था। जब देखा पहली दफ़ा तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल थी। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, ज़रूर अपनी तस्वीर को, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, उसको एक दफ़ा बड़े कैनवस पे प्रिंट करवा के देखिएगा। तो ये हैं वो तीन शहर जिनका मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। बीच में है आर वेरी ओन करांची, लंदन की तस्वीर में मैं भी बीच में खड़ा हुआ, और इस्तांबुल के सामने मेरी बेगम शरीफ। याद रहे कि किस किस शहर ने वफा की है अपने साथ। तस्वीरों की बातें बहुत हो गई, अब हम वापस प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। और प्रेजेंट डे का एजेंडा नंबर 1 है नाश्ता नहीं करना। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि कुछ अर्सा पहले मैं टर्की गया था, पहले भी काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। इस दफ़ा कंपनी बहुत अच्छी थी, दोस्त थे, बेगम शरीफ, जोहेब, काजी भाई, बाइक वाले को क्या मौत आ गई। ये जो लोग बहुत ज़्यादा शोर करने वाली बाइक्स रखते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने सोचा था कि टर्की की ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन एक दो घंटे घूमने फिरने के बाद मुझे अजीब चिड़चिड़ा सा मूड हो जाता था, या तो भूख लगती थी या फिर नींद आने लगती थी। तो आई रियलाइज्ड कि मेरी फिटनेस अब इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, तो कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना ऐसे चल नहीं सकता। देखो, आप मोटे लगते हो या पतले लगते हो वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अनहेल्दी तो वो फिर दिल पे लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी तो बहुत खर्चा हो चुका है, तो टर्की में तो इन्जॉय कर लो, जो खाना है जो पीना है। लेकिन वापस जाने के बाद इरफान साहब, यू विल ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई बींग द की वर्ड हेयर। खाना हेल्दी खाना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो कभी कभी उसमें छुट्टी भी हो जाती है, कभी नहीं खाया जाता। लेकिन उसका एक हैक है मेरे पास। हैक ये है कि अगर हेल्दी खाना खाने में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो मैंने अपने मील्स के बीच में जो टाइम है, भी नुकसान हो जाता, तो मैंने अपने मील्स के बीच में जो दौरानिया है उसको बढ़ा दिया। दौरानिया का मतलब ड्यूरेशन, कभी कभी 8 घंटे, कभी 12, कभी 16, कभी 20-22 तक भी कहानी पहुंच जाती है। तो जब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं खाना खाऊं, लेकिन मेरे खाना खाने का वक्त अभी नहीं आया होता, तो मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, उसमें 1 अदद नींबू निचोड़ता हूँ, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालता हूँ, इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। आपको लग रहा हो शायद कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट मेडिकल एडवाइस। अपने साथ कुछ उल्टा सीधा करके मुझ पर ब्लेम नहीं डालना भाई, दिस इज़ जस्ट एक्सपीरियंस, डिस्क्लेमर है। तो ये मेरी एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप की ड्रिंक बन जाती है, जिसको मैं पीता हूँ तो फिर एनर्जी भी आती है, बंदा चुस्त रहता है, चुस्त मतलब एक्टिव, और फिर मैं शाम रात को खाना खा लेता हूँ। तो दिस इज़ वाई आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट यूजुअली। ओके जी, हमारा जो लिक्विड नाश्ता है वो इख्तिताम पज़ीर हो गया। अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना है अपनी लेंस पिक करने के लिए, जिसके बारे में शुरू में बात कर रहा था। तो अगर घर से निकल के कहीं जाना है, फ्लेक्स तो होगा। आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट फ्लेक्स मींस। जान के अमान पाऊँ तो अर्जी करना चाहूँगा कि आपके घर के सामने खड़ा हूँ, और हालात आपको पता ही हैं, तो जल्द से जल्द नीचे या तो खुद आ जाएं या लेंस भिजवा दें। ये है वो लेंस जिसके बारे में मैं सुबह से बकवास किया जा रहा हूँ, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात। बड़ी स्पेशल लेंस है, तो हमारे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम इसी टॉपिक पे हैं और बहुत अरसे से एक बात मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा मौका दिख रहा है। ये लाइट नज़र आ रही है आपको, वो गिम्बल नज़र आ रहा है, ये सारे चार्जर्स हैं, वो डब्बे में भी कुछ ना कुछ कैमरा इक्विपमेंट ही है। तो कुछ अर्सा पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी, जब मैं एक वीडियो बना रहा था, तो आई पोस्टेड अ स्टोरी, सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिहाइंड द सीन्स, ये नज़र आ रही है। इस तरह की स्टोरीज देख के, और मुझे हर वक्त कैमरा गियर, लाइट इक्विपमेंट, ड्रोन्स, गिम्बल्स के बारे में बात करते हुए सुन के, शायद नहीं, मोस्ट डेफिनेटली बहुत सारे क्रिएटर्स डिस्करेज होते होंगे, लेकिन उसके बारे में आई वॉन्ट यू टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड।
अगर मेरा YouTube चैनल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ होता जितना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आज भी वही कैमरा यूज़ कर रहा होता जो ये पीछे वीडियो में। दिस वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन 24 जनवरी 2017 और इसमें मैं अपने दोस्त जैन के साथ कैमरा खरीद रहा हूँ, सोनी A6300। ये मतलब बहुत अच्छा कैमरा है, आज भी अगर आप लेना चाहें तो आई वुड। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। 6-year-old कैमरा, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ज़्यादा अपग्रेड करता इफ़ इट वॉज नॉट अ बिजनेस। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, आई ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। और बिजनेस का जितना मैंने पढ़ा है भाई, BBA किया है मैंने, पहला रूल ये होता है, पहला तो नहीं पता लेकिन बिजनेस का एक रूल ये होता है कि अगर आप पैसे कमाने लगें तो आप री इन्वेस्ट करें। जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से बहुत मेजर परसेंटेज मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें इक्विपमेंट आता है, उसमें मैं कोर्सेज ख़रीदता हूँ, उसमें मैं किताबें ख़रीदता हूँ, उसमें मैं सॉफ्टवेयर्स ख़रीदता हूँ। अलग अलग शौक़ होते हैं लोगों के, मेरा शौक़ है कैमरा गियर, थोड़ा बहुत बाइक्स, तो वही मेरे मुंह से निकलेगा जो दिमाग में चल रहा होता है। और मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इंसान ये चीज़ें फ़ील करता है, देखने वाला शख्स उसके दिल में ये बातें आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मेरा काम है सिर्फ आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर देना, थोड़ी बहुत कहानियाँ सुना देना, लेकिन अभी आपकी हेल्प कर सकता। अभी एक स्टार्टअप है जिसके ज़रिए आप महीने की किसी भी तारीख को अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 16 तारीख को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप 16 दिन की कमाई हुई सैलरी 30 सेकंड में विड्रॉ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में कहा जाता है अर्न वेज एक्सेस। ये EWA शरिया कंप्लायंट है और एम्प्लॉयर के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। क्विक इंटीग्रेशन, जीरो हैसल और एम्प्लॉयज़ किसी भी वक्त अपनी सैलरी अभी ऐप के थ्रू विड्रॉ करवा सकते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आप अभी मतलब राइट नाउ अभी की वेबसाइट विजिट करें, विच इज़ abhi.com.pk। तो अब अगर महीने के बीच में आपका फ़ोन अपडेट करने का दिल चाहता है या फैमिली के साथ बाहर जाना है या खुदा नखास्ता अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको पहली तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी दोस्त से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान यू कैन गेट सैलरी ऑन डिमांड, जिस पे आपका हक है, जो आपने हक हलाल से कमाई है। ये है भाई अर्न वेज एक्सेस, 100% शरिया कंप्लायंट एंड ईजी विड्रॉल। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं मैं तो आपको बोलूँगा कि अपने HR डिपार्टमेंट से, अपने CEO से रिक्वेस्ट करें कि अभी मतलब राइट नाउ यू वॉन्ट अभी मतलब abhi.com.pk। और अब हम मतलब मैं और आप लेंस की बात करें जिसका नाम है सीरो 50mm T2.9 एनामॉर्फिक लेंस। ये एनामॉर्फिक लेंस होती है, तो ये है 50mm स्फेरिकल लेंस फॉर फुल फ्रेम कैमरास। स्फेरिकल लेंस मतलब नॉर्मल लेंस, और ये है 50mm एनामॉर्फिक लेंस फॉर फुल फ्रेम कैमरास। अब एनामॉर्फिक लेंस क्या होती है इसके लिए हमें एक पॉडकास्ट करनी पड़ेगी जो कि हम आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। टेक्निकली अगर बात करें तो एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करने के लिए आपको अपनी इमेज को यूं करके थोड़ा सा स्क्वीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम आज 50mm स्फेरिकल और एनामॉर्फिक लेंस यूज़ कर रहे हैं तो एनामॉर्फिक लेंस थोड़ी सी वाइडर दिखेगी, थोड़ी सी वाइडर फील होगी, इवन दो वी आर यूजिंग द सेम फोकल लेंथ विच इज़ 50mm। लेकिन टेक्निकल रीज़न की वजह से बहुत ही कम लोग एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग एनामॉर्फिक लेंस फिल्मों में, TV में यूज़ करते हैं फॉर दैट फील। फील एक ऐसी चीज़ है जो समझाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पर भी फिल्म आई थी पंकज त्रिपाठी की जिसमें जंगल वंगल होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो फिल्म का नाम है शेर दिल ऑन नेटफ्लिक्स, उसको अगर आप देखोगे और स्पेशली उस फिल्म में अगर आप आउट ऑफ फोकस एरियाज देखोगे, दे वर शॉट ऑन एन एनामॉर्फिक लेंस। और दूसरी एक तरीका बताने का ये होता है कि जब भी एनामॉर्फिक लेंस में आप लाइट जलाते हो, अब ये आपको थोड़ी सी सर्क्यूलर लग रही है, एनामॉर्फिक लेंस में लाइट की स्ट्रीक्स आती हैं। अब ये बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, समझ में ना आपको कुछ आएगा ना मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि फील है ना, तो फील हम दिखाते हैं। लेट्स जस्ट कंपेयर दीज टू लेंजेस, 50mm फुल फ्रेम स्फेरिकल एनामॉर्फिक। Make
तो ये था हमारा स्फेरिकल और एनामॉर्फिक लेंस का कंपैरिजन। मुझे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन ऑटो फोकस नहीं है तो एक सोलो शूटर के लिए इसके साथ शूट करना बहुत अजाब है, लेकिन मतलब मज़ा आया। मुझे ये बात लेंजेस के बारे में सीखते सीखते 12 साल लग गए, लेकिन मैं आपको इतना टाइम नहीं लगने दूंगा। तो जब भी आप कोई कहानी बता रहे हों और आपको कोई लेंस चूज़ करनी पड़े तो ऑलवेज़ प्रेफर कैरेक्टर ओवर शार्पनेस। कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आई थिंक ये लाइफ के बारे में भी ट्रू है। ऑलवेज़ प्रेफर कैरेक्टर ओवर शार्पनेस। वाह, इसकी टिकटॉक बनाएंगे लोग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हो गई हैं तो इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो दिमाग ना ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। अगर आपको समझ में ना आया हो और अगर आपको शौक हो तो आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन मतलब सॉरी।